अमीरे कहाँ से आ रहे हो? हम नाभा के पास से आ रहे हैं, ब्लाक नाभा। समूह अध्यापक ते किसान पिंड उद्धा वालों लंगर लकड़ा की सेवा है, कोई राशन पानी उसकी सेवा है। कितने किलोमीटर पड़ता है दिल्ली टिकरी बॉर्डर से नाभा? 300 से आसपास लग जाओ। तो आपके जो हाथ हैं ऐसे ठंड में ठहर गए हैं ट्रैक्टर चलाते चलाते? हाँ, सुबह 4 बजे से शुरू हुए हैं हम, अब देख लो यहाँ रोहतक पहुँचे हैं, अभी और जाना है। सुबह 4 बजे आप नाभा से चले थे? नाभा चले थे। तो ऐसे कितने ट्रैक्टर वहाँ अब तक लकड़ियों के लिए जा चुके हैं आप? कम से कम 50 ट्रैक्टर तो आ चुके हैं वहाँ से। ये आपके गांव से लाते हो आप? नहीं, गांव से आसपास से इकट्ठी करके। आरे वगैरह से हैं? ना, आरे वगैरह नहीं, अपने गांव से, अपने अपने जो हिस्सा डालना चाहता है जितना जितना। अच्छा, लकड़ी का। तो बाकी सामान भी ले जा रहे हैं वहाँ से? हाँ, बाकी हम 10 क्विंटल प्याज है, चाय पत्ती है 1 क्विंटल, इसी में है? हाँ, इसी में है। 2 1 क्विंटल घी है फार्म, जो रोटियों के लिए है और अपने तड़के के लिए जरूरी है सब्जी। तो ये लकड़ी इधर लोकल नहीं मिल रही थी? लोकल महंगी पड़ती है, 700-800 रुपये क्विंटल देते हैं। वहाँ से हम गांव से अपने अपने कोई पुराने दरख्त हैं उनकी लकड़ियाँ कटवा के ले आते हैं। तो ऐसी ट्राली कितनी लकड़ियों की अभी तक ले जा चुके हो आप? भी इधर अंदाज़ा नहीं है, कोई अलग अलग गाँव से आते हैं, अलग अलग ट्रैक्टर हैं। जो हमारी जिम्मेवारी है आज, हमारी जिम्मेवारी थी हमारे गांव की। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव उद्धा है जी, नाभे के पास पड़ता है 10 किलोमीटर। अच्छा, आप खेती करते हो? हाँ जी, खेती करते हैं। आपको पता है कि टिकरी बॉर्डर पे संगू बॉर्डर पे किसान क्यों आए हुए हैं? टिकरी बॉर्डर संगू बॉर्डर पे किसान कालो बिलों के लिए आए हैं, 3 किसान जो मारू बिल हैं उनके लिए आए हैं। तो खेती में आपका क्या अनुभव रहा है? खेती फ़ायदे का सौदा नहीं है क्या? नहीं, अब नहीं कोई फ़ायदे का है, अब घाटे का सौदा है। रे दवाइयाँ और सारा कुछ महंगा हो गया, किसान की पैदावार तो वही रहेगी 20-25 क्विंटल और सारा महंगाई हो जाती है। काम नहीं चल पा रहा खेती में? ना, काम नहीं चल पाता। तो खेती के मान लो काले कानून ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या काम चल जाएगा? खेती तो वैसे ही रहनी है। पहले भी तो चलती आ रही है 1947 से, उसके मुताबिक चलते थे, बाप दादे करते आ रहे थे, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। जैसे वो आड़तियों से लेने देन करते थे हम भी वैसे ही करते हैं। अब बीच में आएगा को तो उसके साथ हमारा कैसे होगा? कभी रात को भी पैसे चाहिए, कभी दिन को भी चाहिए, कभी बच्चा बीमार तो कभी ट्यूशन की फीस, कभी स्कूल की फीस, कभी बहन भाई की शादी, तो पैसे का वो तो हमारे आड़तियों से सर जाता था। जो होते थे वो माँ बाप के सिर पर भी दे देते थे, जो छोटा मेरे वर्ग का किसान था उसको माँ बाप की उसके अशाई के लिए भी दे देते। अच्छा, आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है? हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है। क्या उगाते हो आप? हम गेहूँ, चावल। गेहूँ और चावल। तो अभी आपने फिर नौकरी वोकरी की नहीं सोची, खेती ही करने लग गए? नहीं, नौकरी हमने बीए की है पर नौकरी का चांस नहीं मिला है, घर में खेती के लिए बुजुर्ग वो बीमार पड़ गए। अच्छा, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो पंजाब में इतने दिन हो गए आंदोलन चले हुए, तो पंजाब में जो लोग बचे हुए हैं गाँव में वो क्या सोच रहे हैं, कैसा आंदोलन चल रहा है या क्या होगा? उनके मन में आशा है, निराशा है, क्या है? नहीं, आशा तो पूरी है, जब तक हमारे किसान आगू बोलेंगे जब तक तो आएंगे, देखते हैं जितना दम है वो तो लगाएंगे पूरा। अच्छा, हरियाणा के बारे में क्या सोचता है पंजाब का किसान? ना, हरियाणा हमारा भाई है, हमारे पास खड़ता है, आज भी हम मिल के आए हैं रास्ते में, बहुत तो सेवा करते हैं, हमारा प्यार सत्कार परमात्मा बना ही रखे। मतलब आप हरियाणा के जो योगदान है आंदोलन में उससे खुश हैं? हाँ जी, पूरा खुश हैं उससे। हाँ भाई, कंधे से कंधे मिला के काम चलता है जी। ठीक है वीरे, थैंक यू जी।